आज के इस पावन पर्व पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष माननीय दुष्यंत गौतम जी, जिनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी सरकार दलित गरीब पिछड़ों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम लेकर आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री थावरचंद जी, दलित समाज में एक लब्ध प्रतिष्ठित लेखक के रूप में जिनकी मान्यता है, ऐसे भाई विजय सोनकर शास्त्री जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, अभी अभी हमने जिनको सुना, ऐसे भाई रामलाल वाल्मीकि जी, श्री स्वरूप चंद्र राजन जी, श्री रमेश वाल्मीकि जी, आज जिन वाल्मीकि समाज के 5 वरिष्ठ व्यक्तियों का हमने सम्मान किया और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, शरद पूर्णिमा के दिन पूरा भारत महर्षि वाल्मीकि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने बहुत कुछ अपने जीवन में करा होगा, मगर इतने सालों के बाद अगर महर्षि वाल्मीकि को एक ही काम के कारण जानते हैं तो रामायण महाकाव्य की रचना के कारण पूरा भारत जानता है। रामायण महाकाव्य राम के जीवन का, राम के जीवन कवन का सिर्फ गुणगान नहीं है, रामायण महाकाव्य पूरे विश्व के सामने भारतीय संस्कृति की ऊंचाई को बताने वाला एक अग्रदूत है, वो बनकर आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का संदेश रामायण ने पहुंचाया। एक आदर्श जीवन कैसा हो सकता है, फायदा नहीं जाने का, यहीं से बढ़िया। एक आदर्श राजा कैसा हो सकता है, एक आदर्श भाई कैसा हो सकता है, आदर्श पत्नी कैसी हो सकती है, एक आदर्श सेवक कैसा हो सकता है, भक्त कैसा हो सकता है, इन सारी चीजों को महर्षि वाल्मीकि ने एक ही काव्य के अंदर चरितार्थ किया और एक सबसे बड़ा संदेश दिया था कि अंततो गतवा तो विजय सत्य की ही होती है, असत्य कितना भी पराक्रमी हो, असत्य कितना भी शक्तिशाली हो, असत्य कितना भी चतुर हो, उसकी पराजय निश्चित होती है, एक संदेश उन्होंने, और इस बात में कोई द्विधा नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि ने अगर रामायण की रचना न की होती तो आज शायद राम को कोई न जानता होगा, इसमें कोई द्विधा नहीं है। कई सारे महापुरुषों ने कई प्रकार के काम किए, मगर आज राम भारत के जनमानस में अमर है, राम भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा दे रहे हैं और राम भगवान के रूप में प्रस्तापित होकर सदियों तक, हजारों वर्षों तक हमारे आराध्य बने रहेंगे, क्योंकि उनका गुणगान महर्षि वाल्मीकि ने किया। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने की कितनी गुंजाइश होती है अगर सदिच्छा हो, अगर परिश्रम करने की ललक हो, अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, अगर मन में मीमांसा करने की क्षमता हो, तो कोई व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है, उसका उदाहरण भगवान वाल्मीकि था। हम सब जानते हैं वाल्मीकि के जीवन में जो परिवर्तन आया, इसकी कथाएं भारत का बच्चा बच्चा जानता है। एक जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन और एक क्षण के एक घटना में से इतना बड़ा बोध
ग्रहित करने वाली पुण्यशाली आत्मा मैं मानता हूं। इसका ठीक से वर्णन भारत के युवाओं के सामने नहीं किया गया। कितनी संवेदनशीलता होगी कि एक ही वाक्य में इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए वो आदमी आमादा हो गया होगा, मन में कितना ग्राह्यता का भाव होगा कि एक ही वाक्य में से इतना ग्राह्य कर वाल्मीकि महर्षि बन गए। मित्रों, ये जो महर्षि वाल्मीकि ने किया वो समाज में हर व्यक्ति, मैं किसी जाति की बात नहीं कर सकता, हर व्यक्ति जिसमें मैं भी आता हूँ, वो सभी अपने आप को जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत सारी बातें होती है, आज दलित उद्धार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, समाज में समरसता के लिए कोई ढींढेरा पीटे बगैर महर्षि वाल्मीकि के ज्ञान ने समरसता के लिए जो काम किया है वो सारा अब तक हुआ हुआ काम एक और है और एक और महर्षि वाल्मीकि ने किया हुआ काम। मैंने देखा है मेरे जीवन में बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को, बड़े बड़े शंकराचार्यों को महर्षि वाल्मीकि के रचित रामायण को सबसे पहले प्रणाम कर वाल्मीकि के श्री चरणों में प्रणाम कर रामायण की कथा की शुरुआत करते हैं। तब किसी ने वाल्मीकि की जाति नहीं पूछी, वो कहां जन्मे थे किसी ने याद नहीं किया, वो कौन है वो किसी ने याद नहीं किया। ये समाज ने सर्वदा उनके गुणों की पूजा की, उनके ज्ञान की पूजा की, उनकी पूजा की, और यही बताता है कि भारतीय समाज का जो मूल संस्कार है उसके अंदर समरसता, इसके खून के अंदर रची बसी है। सब लोग समान है ये भाव कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय संस्कृति के रग रग में बसा हुआ भाव है। एक लंबे गुलामी के कालखंड के कारण हो सकता है इसकी विस्मृति हो गई हो, मगर अब वो अपराध बोध और वो अपमानजनक व्यवहार के साथ जीने की किसी को जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो संविधान ने हिंदुस्तान के हर नागरिक को समान अधिकार दिया है और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान मौका दिया है। और आज देश में एक ऐसी सरकार है जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार है, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी वेबसाइट को उठा लीजिए, किसी भी प्रकार के मंत्रालय की वेबसाइट को उठा लीजिए, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाते उस मंत्रालय की पहली पांच योजना गरीब, दलित, शोषित और पिछड़ों के लिए होगी, ये मेरा दावा है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कभी गरीबों के साथ कोई लेन देन नहीं होता था, ये कॉरपोरेट मंत्रालय माना जाता था कि पेट्रोलियम मंत्रालय में दलितों का क्या लेन देन, गरीबों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का क्या लेन देन। उज्ज्वला योजना बनाकर नरेंद्र भाई ने 5 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस पहुंचाकर पेट्रोलियम मंत्रालय को भी गरीब के साथ जोड़ दिया। स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, लाल किले से प्राचीर से जब देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधन की शुरुआत करते हुए कहता है कि मैं इस मंच पर से कहना चाहता हूं कि हर एक राष्ट्रीयकृत बैंक का मैनेजर दलित युवाओं को ढूंढे, उनको लोन दे और उनको रोजगारी देने का काम करे। मित्रों, बहुत बड़ी बात है, एक परिवर्तन का एक संकेत, और इसी मार्ग पर अगर देश चलता है तो मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी ने जो कल्पना की थी, अंबेडकर जी ने जो कल्पना की थी, वो दिन दूर नहीं है। हम एक समरस समाज का, गौरवपूर्ण समरस समाज का निर्माण करते हुए हमें कोई नहीं रोक सकता। आज महर्षि वाल्मीकि के जयंती पर हम सब इकट्ठा है, शरद पूर्णिमा भी है, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में जितने भी वाल्मीकि समाज के और सब समाज के महर्षि वाल्मीकि के प्रति आदर रखने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से
शुभकामनाएं देता हूं, देश के सभी नागरिकों को शरद पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूं, और वाल्मीकि जी ने बनाया हुआ महाकाव्य हमेशा हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत बना रहे और इसमें से एक अच्छे समाज की रचना, एक गौरवशाली समाज की रचना हम कर पाए, ऐसी सबको अपील करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।